Hello students, this is the 15th lecture of radio and telecommunication. In this session we will discuss about the electromagnetic waves and wave propagation. तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग EM वेव्स भी कहते हैं इन शॉर्ट. और इसका जो प्रोडक्शन तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आता है. तो या फिर हम लोग अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ये कंपोजिशन है. तो यहाँ पर आप लोग जो है इस फिगर में देख सकते हैं कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्टेंट में, दैट मीन्स के परपेंडिकुलर में, एक और वेव जनरेट होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं. वो यहाँ पर आप लोग जो है क्लियरली देख पा रहे हैं कि तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. ओके, तो आइए अब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर. दे प्रोपगेट बाय वेरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सच दैट टू फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि नेचर, इसका जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है. दैट मीन्स के इसका जो प्रोपगेशन का डायरेक्शन होता है वो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट में इसका जो है डायरेक्शन होता है. और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है. ओके, या फिर हम लोग इसका दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि इसमें एक्सेलरेटेड चार्ज होता है. एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से भी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है. मतलब वैसा चार्ज जिसका जो है वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा हो. ओके, तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करता है जिसका स्पीड जो है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है. ओके, तो ये जो है लाइट के स्पीड के इक्वल हो गया, और इसी स्पीड से ये प्रोपेगेट करता है इन वैक्यूम. और यहाँ पर जो सी का वैल्यू है वो क्या है, 1/√μ0 × ε0. ओके, दैट मीन्स के परमिएबिलिटी इंटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती. इन जनरल जो कोई भी वेव का प्रोपगेशन होता है, जैसे साउंड के प्रोपगेशन के लिए आपको एयर एज अ मीडियम चाहिए होता है. जैसे हम लोग बात करते हैं तो वैक्यूम में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं. हम बात तो कर सकते, बोल तो सकते हैं, बट हमारा साउंड जो है वो प्रोपगेट नहीं करेगा, साउंड वेव. बट यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो फ्रीली प्रोपगेट कर सकता है इन वैक्यूम. दैट मीन्स कि इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका फ्रीक्वेंसी. और जब यह किसी भी मीडियम से प्रोपगेट करता है तो ये जो है इसका वेवलेंथ में वेरिएशन आता है, ना कि इसके फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आता है. दैट मीन्स कि इसका वेवलेंथ जो है बढ़ और घट सकता है, और इसका जो है फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता. और वेवलेंथ में वेरिएशन आने का मेन रीज़न है कि किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. ओके, नेक्स्ट है आपका कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन को फॉलो करता है. यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल मिस हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल को हम लोग n से डिनोट करते हैं. और n इज इक्वल टू √μr × εr. तो यहाँ पर म्यू आर जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल है, एंड एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल है. ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है. दैट मीन्स कि कहीं पर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर हम लोग पावर अगर कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल सम हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर उसका वैल्यू लेकर के हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है कि लाइट वेक्टर इज़ द रीज़न ऑफ ऑप्टिकल इफेक्ट ड्यू टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. यहाँ पर जो लाइट वेक्टर होता है तो ये ऑप्टिकल इफेक्ट जनरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में. ओके, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लाइट वेक्टर जनरेट होता है, या फिर लाइट वेक्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक वेक्टर भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो सेम फेज में होता है उसका रेशियो होता है. ओके, यहाँ पर जो है कि रेशियो जो होता है वो जो है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेलोसिटी के बराबर होता है। दैट मींस के यहाँ पर जो भी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका जो भी आपका एम्पलीट्यूड होगा, मतलब मैक्सिमम पीक होगा, उसके रेशियो जो है यहाँ पर आपका वेलोसिटी के बराबर होगा, दैट मींस सी के इक्वल होगा। नेक्स्ट है कि जो एनर्जी कैरी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, वो दोनों एनर्जी आपस में बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दिस इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे तो यहाँ पर रेडियो वेव है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, एक्सरे है, गामा रेज है, और यहाँ पर उसका लोअर पार्ट में इसका फ्रीक्वेंसीज है और ऊपर में क्या है उसका वेवलेंथ है। तो दिस इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो गामा रेज वो जो है इसका फ्रीक्वेंसी स्टार्ट जो होता है वो 10^4 से जो है 10^20 हर्ट्ज़ तक जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका रेडियो प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव, दिस इज़ द मेन टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। तो आइए हम लोग प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव का बारे में देखते हैं। तो जो अर्थ का इन्वायरमेंट होता है उसमें जो EM वेव ट्रैवल करता है, जैसे हमारा जो है ट्रांसमीटर से मोबाइल में जो हम लोग वर्क करते हैं या फिर ट्रांसमीटर से EM वेव ट्रांसमिट होता है, तो वो सिर्फ जो है हमारा EM वेव के प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी जो होता है उसका, कुछ फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी पर ही डिपेंड नहीं करता, बट हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उस पर भी ये डिपेंड करता है। ओके, जनरली जो है वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, बट ये इसमें जो अल्ट्रेशन आता है या इसके पाथ में जो चेंजेस आता है वो अर्थ और एटमॉस्फेयर के वजह से जो है यहाँ पर इसके पाथ में चेंजेस आता है। अब आइए हम लोग इंट्रोडक्शन टू वेव प्रोपगेशन देखते हैं। तो जब EM वेव जो है एंटेना से प्रोपगेट होता है, प्रोड्यूस होता है, जनरली जो हमारा रिसीवर ट्रांसमीटर पर या ट्रांसमीटर पर जो करंट या वोल्टेज होता है, तो उसको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करने के लिए एक एंटेना का यूज़ करते हैं। एंटेना वर्क्स एज अ ट्रांसड्यूसर विच चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वो क्या होता है, ट्रांसमिट होता है ट्रांसमीटर से रिसीवर के तरफ, तो उसका जो वेव का जो ट्रैवल होता है वो कुछ पार्ट जो एज़ पर रिक्वायरमेंट एज़ पर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कुछ पार्ट जो अर्थ के सरफेस के अलॉन्ग ट्रैवल करता है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे जो पार्ट जो है अर्थ के सरफेस के अलॉन्ग ट्रैवल करता है उसको हम लोग ग्राउंड वेव और सरफेस वेव कहते हैं, इट इज़ द नेम ऑफ वेव। नेक्स्ट है कि जो वेव डायरेक्टली ट्रांसमीटर टू रिसीवर ट्रैवल करता है, ओके, डायरेक्टली ट्रांसमीटर टू रिसीवर ट्रैवल करता है और ये जो है स्काई के डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता है, तो उसको हम लोग स्पेस वेव कहते हैं। और नेक्स्ट है कि कुछ वेव जो है अपवर्ड डायरेक्शन में स्पेस की तरफ जाता है और स्काई में, और उसके बाद क्या हो जाता है कि वहाँ से स्काई से रिफ्लेक्ट बैक हो करके रिसीवर पर रिसीव होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्काई वेव्स कहते हैं। तो ये जो तीन तरीका है प्रोपगेशन का, इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, मोड्स ऑफ प्रोपगेशन कहते हैं। और मीडियम जिससे EM वेव प्रोपगेट करता है वो किस पे डिपेंड करता है, EM वेव के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। और जो मेथड्स है वेव प्रोपगेशन का वो बेसिकली तीन मेथड है वेव प्रोपगेशन का। पहला है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन जिसमें हम लोग ग्राउंड वेव को यूज़ करेंगे, दूसरा है स्काई वेव प्रोपगेशन जिसमें हम लोग स्काई वेव को यूज़ करेंगे, दैट मीन्स द थर्ड वन, एंड तीसरा जो है हमारा स्पेस वेव प्रोपगेशन है जिसमें ट्रांसमीटर जो है दोनों आमने सामने ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या होता है, डायरेक्टली एक दूसरे में सिग्नल एक दूसरे तक सिग्नल जो है ट्रांसमिट कर सकता है। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के बारे में देखेंगे कि ग्राउंड वेव प्रोपगेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, उसमें अटेन्यूएशंस कैसे आते हैं, हम लोग ये सारा नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।